ईलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। एक अच्छी और बड़ी खबर आई है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर बोर्ड की तरफ से। काफ़ी दिनों से यदि आप नियमित रूप से इस YouTube चैनल को फॉलो करते हैं तो हमारी टीम आपको बता रही थी कि कुछ ही दिनों में आपको एक बहुत बड़ी एडवर्टीजमेंट हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल सकती है। तो देखिए, अंततः ये एडवर्टीजमेंट जो ऑफिशियली वेबसाइट है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर बोर्ड की, उनकी वेबसाइट पर 26 सितंबर 2022 को इसको अपलोड किया गया है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें 79 कैटेगरीज़ की ये वैकेंसी से संबंधित एडवर्टीजमेंट जारी की गई है और इसके लिए आपको जो फॉर्म भरने की तिथियाँ शुरू होगी 30/9/2022 से लेकर 29/10/2022 तक आप आवेदन कर सकते हो। आवेदन कैसे करेंगे, सिंपली अपने गूगल क्रोम पे आपको टाइप करना होगा www.hptsssb.hp.gov.in। इस वेबसाइट पर आप जाएंगे, यदि पहले से आपका अकाउंट बना है तो लॉगिन करके आप वहां पर जा करके अप्लाई कर दीजिएगा। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको ज्ञात होगा जब इतनी ज़्यादा डिपार्टमेंट्स में या इतनी ज़्यादा कैटेगरीज़ की वैकेंसी निकलती है तो उसमें क्राउड काफ़ी ज़्यादा होती है, तो आप समय पर ही अपना फॉर्म भर दीजिएगा, नहीं तो अंतिम दिनों में आपको ज्ञात है कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम आपको विस्तृत तरीके से बताएंगे कौन कौन से डिपार्टमेंट में कहां कहां पर वैकेंसीज निकली है, कैसे आप आवेदन कर सकते हैं, क्या आपको पढ़ना होगा, कैसी आपकी तैयारी होनी होगी, और ये भी आपके ऊपर एक प्रश्न होगा कि आखिरकार अब हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं तो ये भर्ती प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ेगी। तो सबसे पहले आपको इस वीडियो में अपडेट करवा दें कि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की तरफ से या हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला की तरफ से जो भी एडवर्टीजमेंट आउट होती है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ मानी जाती है, इनके ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट का किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आपकी भर्ती प्रक्रिया इसी तरह से चलती रहेगी, लेकिन जब फाइनल आपका रिजल्ट आ जाता है तो अपॉइंटमेंट नहीं होती है जब तक कि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ रहता है। तो आप निश्चित हो जाइए, क्योंकि देखिए एक डेढ़ महीने में हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, कोई ज़्यादा फर्क इसका आपके ऊपर नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि अक्सर हम ये भी देखते हैं कई बार आपका एग्ज़ाम 2 या 3 महीने के समय के बाद ही होता है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर बहुत से विद्यार्थियों के दिमाग में रहता है कि अब तो जी सरकार आ रही है, हो रहा है, इलेक्शन हो रहे हैं, क्या अब एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा, ये सारी प्रक्रियाएं चलती रहती है। हम ये सारी बातें आपके साथ पिछले 2 दशकों के अनुभव के आधार पर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बताएंगे 79 कैटेगरीज़ की एक बहुत बड़ी एडवर्टीजमेंट मानी जा सकती है, लेकिन उससे पहले हम आपको अपडेट करना चाहेंगे किसी भी परीक्षा की तैयारी करने के लिए आपको पहले दिन से एक संकल्प लेना होता है कि नहीं, अब मैं तैयारी करूँगा, अच्छे से तैयारी करूँगा, नियमित रूप से तैयारी करूँगा, जो अच्छे अच्छे स्टडी के सोर्सेज हैं उनको फॉलो करूँगा। जब ये नियमित रूप से आपके जीवन का ये हिस्सा बन जाता है तो निश्चित तौर पर आपको सफलता भी मिलती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम वीडियो के शुरू में आपको बता दें www.elite.co.in। इस वेबसाइट को जब आप विजिट करेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दिया जाएगा, एक बार इस वेबसाइट पर जाइएगा। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको बहुत सी किताबें मिलेगी, और हमेशा याद रखिएगा यदि आपके पास अच्छी किताबें हैं, अच्छे दोस्त हैं, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। दोस्त आपको मोटिवेशन देते हैं, अच्छी किताबें आपकी जो सफलता का मार्ग है उसे प्रशस्त करते हैं। तो इस वेबसाइट पर जाइए, और कोचिंग के ऊपर अनावश्यक पैसा खर्च करने से अच्छा है कि अच्छी किताबों को आप बार बार पढ़िएगा। जो यहाँ पर आपको किताबें मिलेगी वो ऐसे अध्यापकों के द्वारा उन किताबों को लिखा गया है जिन्होंने खुद उस तरह के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया गया है। हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान की 2 किताबें आपको वहां पे कंसाइज वर्जन में मिलेगी, बहुत ही बेहतरीन अध्ययन सामग्री उन किताबों में संग्रहित की गई है। तो देखिए 79 डिपार्टमेंट्स है, सबके नाम यहाँ पे नहीं पढ़े जा सकते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पे देखिए इनका सबके बारे में दिखाएंगे, और जिन डिपार्टमेंट्स में ज़्यादा वैकेंसीज है उनसे भी आपको अप टू डेट करवाएंगे। आपको ये पूरी की पूरी PDF मिल जाएगी, उसके लिए आप अपने टेलीग्राम में टाइप कीजिए ईलाइट स्टडी। नियमित रूप से हमारी टीम वहाँ पर सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछती है, जितनी भी हिमाचल प्रदेश में नई वैकेंसीज आती है, रिक्रूटमेंट से संबंधित अपडेट होता है, सारी जानकारियाँ आपको इस
टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल नियमित रूप से हमारी टीम करवाती रहती है। तो टेलीग्राम ग्रुप के साथ में भी जुड़ जाइएगा, क्योंकि बहुत सी जो कि एलाइट स्टडी टीम की नई नई किताबें, नई नई अध्ययन सामग्री आती है, वो टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से ही आप लोगों तक पहुँचाई जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जहाँ पर भी आपको लगता है आपकी क्वालिफिकेशन बनती है, आप फॉर्म ज़रूर भरिएगा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर से आपको अपडेट कर देते हैं कि महिलाओं के लिए जितनी भी यहाँ पे वैकेंसीज, यदि आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप फॉर्म भरिएगा, क्योंकि आपसे किसी भी तरह का कोई भी शुल्क हिमाचल प्रदेश में नहीं लगा लिया जाता है। महिलाओं के लिए बिल्कुल निःशुल्क में ये भर्ती प्रक्रिया रहती है। तो यहाँ पे देखिए, जीआईटी के पुनः वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई है, जो कि डीसी किन्नौर एंड डीसी लाहौल स्पीति जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की है। 20,600 से लेकर 65,500, देखिए काफ़ी अच्छी तनख्वाह का भी प्रावधान है। और इलाइट स्टडी टीम की जीआईटी की किताबें नंबर वन बुक्स है हिमाचल प्रदेश में, अंग्रेजी और हिंदी दोनों वर्जन में अवेलेबल है। हज़ारों की संख्या में विद्यार्थियों ने उन किताबों को पढ़ के अपना भविष्य बनाया है। जीआईटी की अंग्रेजी मीडियम की किताब का तृतीय एडिशन लॉन्च कर दिया गया है। त्रुटिहीन संस्करण बनाने में उसमें काफ़ी कड़ी मेहनत हमारी टीम के द्वारा की गई है, तो आप इन किताबों का लाभ जरूर उठाइएगा। इसके अलावा हम आपको अपडेट कर दें, यहाँ पे हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में कनेक्टर की वैकेंसी 360 वैकेंसी निकाली गई है। तो कनेक्टर की भी आपको देखिए भर्ती हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। इसके ऊपर भी सबसे पहले हमारी टीम आपको एक बहुत ही अच्छी सी किताब बनाने वाली है, जिसमें आपको प्रीवियस पेपर मिलेंगे और उसके अलावा एक कम्प्लीट आपको वहाँ पर सिलेबस कवरेज भी हमारी टीम देगी। इसके अलावा आप नीचे देख रहे होंगे तो स्टेट ऑडिटर जूनियर ऑडिटर में भी 37 पदों पर वैकेंसीज निकाली गई। इसके अलावा देखिए, हम यहाँ पे आपको बताएंगे जिसमें थोड़ी बल्क में वैकेंसीज है, बाकी आप ऐसा मत सोचिएगा कि एक वैकेंसी है दो वैकेंसीज फॉर्म को फिलअप नहीं करेंगे, आपको फॉर्म को फिलअप करना होगा। फॉर्म को इसलिए आपको फिलअप करना है क्योंकि आपको सिर्फ एक ही वैकेंसी चाहिए। जितने ज़्यादा आप कम्पिटेटिव एग्ज़ाम देंगे उतना ही आपके पास अनुभव होगा। और आपको बता दें, बहुत से प्रश्न एक दूसरे एग्ज़ाम से रिपीट भी होते रहते हैं, जो कि आपको सक्सेस दिलाने में काफ़ी सहायक साबित भी होते हैं। तो टेक्निकल डिपार्टमेंट में भी ये वैकेंसीज निकली है, यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। काफ़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट है, जैसा हमने आपको पहले भी कहा है कि 79 कैटेगरी से संबंधित ये वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज की गई है। तो यहाँ पे बल्क में जो वैकेंसीज है उनके ऊपर हम आपको ब्रीफली बता रहे हैं, जिसमें हम हमने जिक्र किया कि जो हिमाचल प्रदेश के बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे वैकेंसीज खाली है, वहाँ पर भी आप अपने जो एडवर्टीजमेंट के माध्यम से जो वैकेंसीज पब्लिश हुई है, वहाँ पर आप अपनी दावेदारी दे सकते हैं। और आपको बता दें, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स के भी यहाँ पर देखिए 42 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के 162 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। और जो सबसे बड़ी यहाँ पे बात है, उसके बारे में हम आपको अपडेट करेंगे, जेबीटी भर्ती। तो हिमाचल प्रदेश के एलिमेंट्री डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो जेबीटी टीचर्स लगते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज ये वैकेंसीज यहाँ पे डाली गई है। तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज है यहाँ पे, 467। पुनः आपको बता दें, 467 जेबीटी के अध्यापकों के पदों पर यहाँ पे आवेदन मांगे गए हैं। हर जिला वार यहाँ पे वैकेंसीज डाल दी गई है, तो आप अपनी तैयारी को और भी मजबूती से आगे बढ़ाइएगा। आपको अपडेट कर दें, जूनियर इंजीनियर यानी जेई की वैकेंसी निकली है इलेक्ट्रिकल में, 78 की संख्या यहाँ पे बताई गई है। तो जिन अभ्यर्थियों का पहले नहीं हो पाया है, वे भी अपनी तैयारी को तेज़ कर दीजिएगा और निश्चित तौर पे आप हिमाचल प्रदेश सरकार में सरकारी नौकरी ले सकते हो। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 79 डिपार्टमेंट से आपको हमारी टीम ने अपडेट करवाया है जहाँ जहाँ पर वैकेंसीज निकली है। इसके नीचे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये सेशनल क्वालिफिकेशन है, ये आपको जरूर पढ़नी होगी। जिस वैकेंसी के लिए आपकी एलिजिबिलिटी बनती है, तो उसको आपको क्या करना है, उस वैकेंसी के लिए आपको ये क्वालिफिकेशन और उसका पोस्ट कोड नोट करना है और वो फॉर्म अच्छे से भरना है। यदि हो सके तो आप इस एडवर्टीजमेंट का प्रिंट आउट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी कौन सा फॉर्म आपने भरा है, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है और क्या उसका सिलेबस रहता है। बस आपको जुट जाना है, अपने फॉर्म भरिए और तन मन धन से पढ़ाई में जुट जाइएगा। देखिए, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास हिमाचल प्रदेश सरकार में सरकारी कर्मचारी के रूप में अपनी सेवाएँ देने के लिए। बहुत से विद्यार्थी है काफ़ी लंबे समय से उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। तो अब देखिए, आप सारे अपने जो भी आपको लगता है कि आपके अननेसेसरी समय, उसका सदुपयोग कीजिए, अपने पास इलेक्ट्रिसिटी टीम की बुक्स रखिए और नियमित रूप से पढ़ते रहिए। निश्चित तौर पर आप याद रखिएगा, ये जो चीज़ें हमारी टीम आपको बताती है, इन बातों के आधार पर जिन विद्यार्थियों ने अमल किया है, उन्होंने अपना करियर भी बनाया है। कोचिंग के ऊपर मत जाइएगा, आप मिनिमम हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे, आप अपनी अच्छी किताबों के साथ में से जीआईटी की किताबें आपको बताइए
सके, ये उनका नियमित रूप से अध्ययन कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए। इलास्टरी टीम के करंट अफेयर्स आते हैं, सामान्य ज्ञान की किताबें हैं, और भी स्पेशल जो भी एग्ज़ाम होता है उसके ऊपर सेपरेट में किताबें बनाई जाती है, तो उनका आप लाभ उठाइए और जुट जाइए, नियमित रूप से पढ़ाई कीजिए, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।